বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 50 বছর নয়াদিল্লিতে ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমরা সরাসরি নজর রাখব সেদিকে। हासिल करने की 50वीं वर्षगांठ पर यह बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपने जिन चारों मशालों को देखा वो चार मशालें देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इन्हें घुमाया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाने का काम किया। और अब आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपने उद्गार व्यक्त करते हुए और वो कहते हैं ना कि लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत, उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। आज भारत और बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का कार्यक्रम, जब पूरा देश उन वीर शहीद सेनानियों को आज याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिए थे। राष्ट्रीय समर स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज ही के दिन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए आज 50 साल पूरे हो गए, तो ये विशेष प्रस्तुति आपने देखी दूरदर्शन की राष्ट्रीय समर स्मारक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने আমরা সরাসরি নজর রেখেছি দিল্লিতে জাতীয় ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত এবং বাংলাদেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের স্বর্ণিম বিজয় দিবস পালন করছে এবং এই স্বর্ণিম বিজয় দিবস দুদেশেই পালন করা হচ্ছে। 1971-এ বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ তাতে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং দুই দেশেই এই দিনটি মহাসমারোহে পালন করা হয়। অমর জওয়ান জ্যোতিতে যে মশাল, সেই চারটি মশালেই আগুন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তার সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও ছিলেন উপস্থিত। একদিকে ভারতে শ্রদ্ধা ভরে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশেও এই দিনটিকে বিশেষ মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে।